लोकेशन पे इतना ज्यादा जो हमने उम्मीद किया था वो नहीं है। तो फिर जब भी मैं ब्लॉग कर रही हूँ तभी पापा का फोन आ रहा है। तो हमारी सेकंड लोकेशन हमारा पर्सनल फेवरेट प्लेस है। आई थिंक हमारी अभी तक हम जिन दो जगह पे गए उन्हीं दोनों जगहों पे हमारी सबसे ज्यादा डेट्स रही है। राइट, दिख नहीं रहे, कवर हो गए ना थोड़ा। मैं धीरे दीवार बोले, दीवार भी गए थे। धीरज हम दीवार गए थे आज। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो टुडे इज 22 दिसंबर और मुझे नहीं खाना। तो ये ब्लॉग आप डेफिनेटली फरवरी में देख रहे होंगे, बट आज मैं ये शूट कर रही हूँ। टुडे इज 22 दिसंबर और आज हम जा रहे हैं हमारे प्री वेडिंग शूट के लिए और इट्स 5:30 इन द इवनिंग। प्री वेडिंग तो बाकी हमारे साथ है सागर। थैंक यू सागर। हाय, मुंह छुपा रहे तो देख ही नहीं रहा। सारा क्रेडिट जो जा रहा है ना लेट होने का वो एक इंसान पे जा रहा है। वो एक इंसान पे जा रहा है सारा क्रेडिट। एक इंसान पे ठीक है। वो इंसान अमरूद खाने में पूरे व्यस्त है। बाकी चलो देखते हैं क्या शूट होता है, क्या रहता है। BTS मिलते रहेंगे। हमें ना ड्राइवर ने लेट कर दिया। नहीं ऐसा तो नहीं किया भाई। मैं बोल सकती हूँ, सुन नहीं सकती कुछ। ऐसे कहा किसी ने कुछ नहीं। मैंने कहा ना नहीं ऐसा। फसाया हुआ है। देखो कितने शरीफ बनते हैं ना लोग। अब यहाँ पे जाम लग गया पता नहीं किस बात का। क्या करे हम, ना कराए शूट, ऐसे चले जाए घर। घर वाले भी नहीं भेजेंगे दोबारा। सारी गाड़ी वापस आ रही है। कोई आगे जगह ट्रक वाला जगह मार रहा है। अच्छा ओके। सो वी फाइनली रीच टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है चोपाल। मतलब मैं बाहर जाके दिखाती हूँ। आई नो आपको यहाँ से दिख नहीं रही होगी। तो लेट मी फर्स्ट गो आउट और फिर हम रेडी भी होंगे। अभी दिस इज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पे। तो हमारी शादी से पहले बहुत सारी डेट्स यहीं पर हुई है तो इसलिए हमारी ये फेवरेट जगह है। तो हमने कहा चलो चलते हैं। बाकी और एक दिक्कत है, देखो ये सारी रोड ख़राब है वहाँ तक। अभी हमें ये है कि फटाफट मतलब शूट निपटाए ताकि रात को हम टाइमली निकल भी पाए वापस। और आगे हमारा वापसी में रात का भी बहुत अच्छा प्लान है, वो तो आप आगे ब्लॉग में देख लोगे। तो फटाफट हम रेडी होते हैं, देन मैं आपसे डेस्टिनेशन में पहुंच गया। उसके बाद भी हम लेट हो रहे हैं और हमारे लेट होने की वजह फिर से ये है क्योंकि इनके भाई साहब के फ़ोन ही नहीं ख़त्म होते हैं। इनको पता नहीं इनका ब्लॉग बन रहा है, पर बन रहा है। पता नहीं है पर बन रहा है। पता नहीं कितनी देर में फ्री होते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। बाकी हमारे कैमरामैन पूरे रेडी हैं। कैमरामैन प्लीज फोकस करो इधर, तो मैं ही कैमरामैन बनी हुई हूँ। नहीं चाय पी लूंगी मैं। चार चाय बना दे। हाँ लाइट पड़ रही है ना तो अच्छा लग रहा है। तो अभी फिलहाल हम रेडी हो गए हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो रेडी हो गए और हम ऑलमोस्ट रेडी है शूट करने के लिए। ज्यादा टेक्स नहीं होंगे, अंधेरा और लोकेशन पे इतना ज्यादा जो हमने उम्मीद किया था वो नहीं है। तो फिर जब भी मैं ब्लॉग कर रही हूँ तभी पापा का फोन आ रहा है। तो फाइनली हमने यहाँ पे जो शूट करना था वो सब हमने कर लिया। अब हम खाएंगे गाना निकालता हूँ ऑडियो निकाल के।
चलो मैगी खानी है, ये पकड़ो। भूख लगी है बहुत ज्यादा जोर से, अभी हम मैगी खाएंगे। फर्स्ट लोकेशन पे हमारा शूट हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, और रास्ते में एक और इंसान हमें ज्वाइन करने वाला है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और लोकेशन का शूट कैसा रहा फर्स्ट का, बताओ भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। दिखा देता हूं। दिखाना नहीं है वो, देख कलर ग्रेड भी कर दिया मैंने। तू क्या कह रहा है पहले ये बता, हमारी शादी पे हम चला पाएंगे अपना ये प्री वेडिंग शूट? तू कर देगा तब तक एडिट? नहीं। फिर हां क्यों कह रहा है, गन करो कॉपीराइट क्लेम। कौन से कलर ग्रेड? कॉपीराइट क्लेम। कौन से के वो कलर ग्रेड? तो गाइस थोड़ा सा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, चलो आप अलग से देखना, एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, वो लास्ट में ही देखेंगे। तो इट्स 7:30 इन द इवनिंग और अभी मैं आई हूँ बुआ के घर पे, बुआ मेरे जगाधरी में ही रहते हैं, तो चेंज करना था तो रेडी भी होना था, तो मैंने सोचा ठीक है ना, हाँ तो मैंने सोचा कि बुआ से मिल के जाते हैं, बहुत टाइम बाद मिलते हैं हम लोग। और बाकी यहाँ पे एक और मेंबर भी है जिसको मैं यहाँ से अभी ले जाने आई हूँ, पहले मैं सामान उठा लेती हूँ, साथ साथ निकलती हूँ और ब्लॉग भी कंटिन्यू करती हूँ, वो मैं रात आती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो मैं बुआ से आपको बाद में मिलवाती हूँ, बाकी रात आएंगे हम। अभी हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं और साथ में मेरे साथ एक मेंबर और जा रहा है, लेट मी शो यू। चलो भैया, भैया आए हैं यहाँ पे मेरे साथ, मेरे कौन से भैया? धीरज भैया। अरे बंद करिए, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, जितने जितने पार चले। नाराज हो रहा है धीरज, देख रहे हो नाराज हो रहा है धीरज, उसको वेट करना पड़ा भाई, हमारी गाड़ी रास्ते में, रोड खराब था तो हमें टाइम लग गया, समझना चाहिए ना इसको भी, हमारी भावनाओं को, ये नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने सेकंड लोकेशन पे, अभी हमने मार्केट में क्या खाया, हमने चाप एंड रुमाली रोटी, वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो हमारी सेकंड लोकेशन हमारा पर्सनल फेवरेट प्लेस है, आई थिंक हमारी अभी तक हम जिन दो जगह पे गए उन्हीं दोनों जगहों में हमारी सबसे ज़्यादा डेट्स रही है, राइट? दिख नहीं रहे, कवर हो गए ना थोड़ा, मैं दीवार बोले, दीवार भी गए थे धीरज, हम दीवार गए थे आज, बोलियो। ये इधर बैठा है ये गाइस, ये दिख रहा है ना, ये रहा। एनीवेज जो मेरा सेकंड लुक है, कैटी लुक है, तारीफ कर दो मेरी वीडियो में, नन्ने करो मैं तो बोला ही नहीं कुछ गलत बात है यार, ये ड्राइविंग पे ध्यान तो रोक के तारीफ करो, यू नो कॉम्प्लीमेंट्स, गर्ल्स नीड्स कॉम्प्लीमेंट्स दिया वैसे मुझे, जब मैं आई थी रेडी होके तभी मुझे हाँ गाइस गलत मैसेज आता है, लेट मी यस। वैसे हम लगाते हैं यार, ये अभी भूल गए थे हम, क्योंकि हम लोकल घर के पास ही घूम रहे हैं ना, इसलिए सामने से लाइट पड़ रही है ना, क्या मजा सा लग रहा है बना भी, वैसे मैं फ्रंट से रही हूँ ना, क्योंकि मजा मतलब उसमें यार वो अच्छा आ रहा है, तुम्हारे लिए ड्राइविंग मुश्किल हो रही है बट मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा फेस ठीक आ रहा है, यू नो। अच्छा बोर ना करो, वो धीरज वो कह रहा है, धीरज ऐसे बैठा, अच्छा हाय मेरे वाली क्या कर रही होगी अभी, हाय मेरे वाली क्या कर रही होगी अभी, इसकी शक्ल तो दिखा नहीं रहे, नाम दिख रहा है वो वहां से, अल्लाह स्टार है मेरे चैनल का, वो शक्ल नहीं दिखा रहे, बंदा बंदा जानता है उसको। एक बार ना हम कहीं पे गए, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वैसे मैं पहले ब्लॉग में कर चुकी हूँ, ब्लॉग भी बना हुआ है मेरे, तो हम गए पता नहीं पार्टी में, इंडियन रूलर गए पता नहीं कहाँ गए, तो वहाँ पे ना एक नॉन थे वो मिले मुझे, वो थे फॉलोअर्स थे सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने मिलते पता क्या मुझे, हाय शिवानी कैसे हो, मैंने आई वॉज लाइक मैं तो जानती नहीं थी, तो कहते हैं आई एम योर फॉलोअर है ना, और मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ वगैरह वगैरह, तो ऐसे यार अच्छा लगा मुझे जान के लोकल लोग ऐसे बोल रहे हैं, सुनो तो सही। तो फिर मैं उनसे मिल रही और मिलते मिलते उन्होंने मेरे को बीच में रोक के, मेरी एक्साइटमेंट को रोक के कहते धीरज कहाँ है, मुझे तो धीरज से मिलना है ना, आई वाज लाइक धीरज कह रहे वही आपके चैनल का स्टार, तो फिर उस दिन से मैंने इसे वीडियो में लेना कम कर दिया, भाई इसकी पॉपुलैरिटी तो मुझसे भी ज़्यादा हो रही थी, मुझे जेलस हो रही थी, फिर मैंने कहा चल अपना ही भाई है वो जो फेमस है, दिक्कत का आ रही है मेरा नहीं, हाँ ये आपने मुझे दिखाया था, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे। दीदी का शूट हो रहा है, मैं तो बोर हो गया हूँ, मैं ही ब्लॉग कंटिन्यू कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
पहले मतलब।